सो है गाइस, वेलकम बैक टू द आरबी ऑटोमोबाइल। आज हम दोस्तों एसपी 125 और होंडा साइन 125 का दोनों का हेडलाइट को कंपेयर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं नाइट में इन दोनों ही बाइक का हेडलाइट को कंपेयर करने वाला हूँ। बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप लोगों को इन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक में ज़्यादा हेडलाइट की ब्राइटनेस मिलती है, एंड साथ ही आप लोगों को इसी वीडियो में इन बाइक्स का मीटर कंसोल एंड इन बाइक्स का एग्जॉस्ट नोट भी सुनाने वाला हूँ। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद आती तो शेयर कर सकते हैं, एंड इसी तरह बाइक से रिलेटेड वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल आरवी ऑटोमोबाइल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले होंडा साइन 125 का हेडलाइट को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस बाइक का लो बीम को देख सकते हैं इस रोड पर, जो कि यहाँ पर एक छोटा सा रोड है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा रोड है। इस रोड को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर किया है इस बाइक में। मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिल रही है इसकी विजिबिलिटी में। लो बीम में ये बाइक काफ़ी अच्छी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लो बीम पर इस बाइक ने काफ़ी अच्छी तरीके से इस रोड को कवर किया है, वहाँ तक आगे तक भी कवर किया है, एंड इसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। एंड इसी के साथ मैं इस बाइक को हाई बीम पर करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मीटर पर मैंने हाई बीम कर दिया है, एंड आप लोग रोड पर भी देख सकते हैं। हाई बीम करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि इसकी जो सारी लाइट है वो सामने उस जगह पर फोकस होती है, बाकी इधर थोड़े बहुत हल्के बहुत ही आप लोग को लाइट दिखते हैं। ज़्यादातर लाइट आप लोग को वहाँ पर हाई बीम के अंदर आगे देखने को मिलते हैं। मैं से एक बार फिर से लो बीम करता हूँ दोस्तों। यह मैंने लो बीम किया। लो बीम के अंदर जो है यहाँ पर काफ़ी सारी लाइट्स आपको देखने को मिलती है, एंड आगे की भी कुछ आप लोगों को लाइट्स देखने को मिलेगी। पर जैसे मैं इसे हाई बीम करता हूँ, देख सकते हैं हाई बीम करने के बाद सारे लाइट जो है एक ही जगह पर वहाँ पर फोकस होती है। तो इस बाइक की लाइट जो है काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिली। पर्सनली मुझे इस बाइक का लो बीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एंड आप लोग यहाँ पर पीछे से भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एसपी 125 का हेडलाइट कैसा है। सबसे पहले हम लोग हेडलाइट टेस्ट को लो बीम पे करेंगे, एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है दोस्तों ये एक रोड है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मीटर पे ये जो बाइक है अभी फ़िलहाल लो बीम पे है, एंड लो बीम पे इस बाइक ने जो है लाइट तो इस रोड में अच्छा खासा कवर किया, पर लो बीम में है कि गाड़ी का जो लाइट का थ्रो है वो बहुत नीचे तक ही जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा आगे तक जाना चाहिए था, पर लाइट का जो थ्रो है वो काफ़ी नीचे तक जा रहा है। बट दोस्तों बात ये है कि इस बाइक का जो लो बीम है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर फोकस कर रहा है रोड पर, मतलब कि विजिबिलिटी में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी लो बीम के अंदर। आप लोग एक बार फिर से देखिए, ये रही दोस्तों रोड, एंड रोड को इस लाइट ने काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर किया है। एंड आगे आप लोगों को मैं इस बाइक का हाई बीम भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग करते हैं इस बाइक को हाई बीम पर। मैं हाई बीम पे करता हूँ, आप लोग यहाँ पर मीटर पे देख सकते हैं हाई बीम जल चुकी है, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाई बीम पर गाड़ी ने हाई बीम पे पूरे रोड को कवर कर लिया है। आप लोग देखेंगे तो नीचे भी यहाँ पर लाइट जा रही है, एंड आगे भी आपको काफ़ी दूर तक लाइट देखने को मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी ने पूरी रोड को कवर कर लिया है, एंड मैं अभी लो बीम करता हूँ, ठीक है। आप लोग देखिएगा कि आगे उधर जो लाइट गई है वो लाइट हट जाएगी। आप लोग देखिएगा, ये रही दोस्तों लो बीम। लो बीम के अंदर गाड़ी ने थोड़ी सी यहाँ पर रोड को कवर किया। मुझे शायद लगता है होंडा कंपनी को थोड़ी सी और लो बीम के अंदर अपग्रेड करने चाहिए, लो बीम के अंदर थोड़े से और आगे तक जाने चाहिए। पर यहाँ पर हाई बीम इस बाइक का काफ़ी तगड़ा है। आप लोग देख सकते हैं हाई बीम जो है इस बाइक का काफ़ी ब्यूटीफुल है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो मुझे पर्सनली यहाँ पर हाई बीम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इस बाइक का। आप लोग देख सकते हैं इस बाइक ने रोड को काफ़ी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है हाई बीम के अंदर, ठीक है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को कौन सी पसंद आई, लो बीम या फिर हाई बीम, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देता हूँ लो बीम एंड हाई बीम। तो ये रही दोस्तों लो बीम, एंड ये रही हाई बीम। तो आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज़्यादा है लो बीम एंड हाई बीम के अंदर। लो बीम के अंदर काफ़ी यहाँ पर नीचे लाइट है, एंड हाई बीम करते ही पूरे रोड को कवर कर लेती है। तो दोस्तों इस बाइक का जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, काफ़ी ज़्यादा डीप भी जाता है, तो लाइट में मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। तो अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही बाइक्स के मीटर कंसोल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होंडा साइन 125 के मीटर के बारे में। बात करें इस बाइक की मीटर कंसोल की, तो इसमें आपको दोस्तों फुल्ली एनालॉग का मीटर कंसोल दिया गया है, जिस साइड पर दोस्तों आपको स्पीडोमीटर मिलता है, इसके साथ आपको किलोमीटर मिलता है,
यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर की स्विच मिलती है एंड यहाँ पर आपको हाई बीम की सिग्नल मिलती है। राइट साइड पे दोस्तों आपको यहाँ पर फ्यूल गेज की इंडिकेशन मिलती है एंड यहाँ पर न्यूट्रल एंड यहाँ पर इंजन चेक की लाइट। एंड अब हम लोग बात करते हैं होंडा SP125 के मीटर के बारे में। तो सबसे पहली बात तो आप लोग को इस बाइक में फुली डिजिटल मीटर कंसोल दिया जाता है, जिसमें कि आप लोग को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं अदर 125 सीसी के बाइक के मुकाबले। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले यहां पर आप लोग देख सकते हैं स्पीडोमीटर इस बाइक में दिया गया है। इसके बाद आप लोगों को उसके बगल में दिख रहा होगा क्लॉक। इसके बाद आप लोगों को एवरेज दिखाएगी एंड साथ में आप लोगों को गियर पोजिशन इंडिकेटर भी आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिल जाएगी। ये बहुत ही बड़ी बात है इस बाइक की, जो कि आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर देखने को मिलती है। एंड साथ में आप लोग इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेशन देखने को मिलेगी एंड यहाँ पर आपको मोड का बटन दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेंज दिखाती है, यानी कि बाइक में अभी कितनी फ्यूल है एंड उस फ्यूल में बाइक कितने किलोमीटर तक जा सकती है वो आपको रेंज दिखाएगी। तो मेरी बाइक अभी फ़िलहाल 43 किलोमीटर तक और आगे जा सकती है। एंड इसके बाद फिर से मोड बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल किलोमीटर देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको ट्रिप ए भी दिया जाएगा एंड ट्रिप बी, एंड इस बाइक में आपको दो ट्रिप मीटर भी दिए जाते हैं। तो इस बाइक में आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इन दोनों बाइक्स का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूं। सबसे पहले मैं होंडा साइन 125 का एग्जॉस्ट सुना दूं। एंड अब आप लोगों को मैं SP125 का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इन दोनों बाइक में से कौन से बाइक का हेडलाइट ज़्यादा बढ़िया है, किसकी ब्राइटनेस और किसकी विजिबिलिटी ज़्यादा बेहतरीन है। तो यहां पर दोस्तों दोनों बाइक को कंपेयर करें तो यहां पर सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस मुझे SP125 में लगी है एंड इस बाइक में आप लोगों को LED की हेडलैम्प देखने को मिलती है। यहीं पे हम लोग कंपेयर करें साइन 125 को, तो साइन में दोस्तों आप लोगों को हेलोजन मिलता है एंड इसकी जो विजिबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगी कंपेयर टू SP125। यहाँ पर अगर आप लोग हाईवे पे लेके निकलेंगे साइन 125 को, तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली जो है लाइट की थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। अगर आप लोग हाईवे पे चलेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा फॉग लैंप्स लगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है साइन 125 में। एंड SP125 की लाइट की बात करें तो इसकी जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आप लोगों को हाईवे में भी लेके निकलना है इस बाइक को तो आप लोगों को ज़्यादातर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, मतलब SP125 में आप लोगों को एक्स्ट्रा फॉग लैंप लगवाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड अगर आप लोग लगवाते हैं तो आप ही के लिए बेहतरीन होगा, आप ही को ज़्यादा लाइट देखने को मिलेगी। और मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोग को SP125 में एक्स्ट्रा फॉग लैंप्स लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड कंपेयर करें यहाँ पर होंडा साइन 125 को, तो यहाँ पर आप लोगों को मुझे लगता है कि साइन 125 में एक्स्ट्रा फॉग लैंप्स लगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये था दोस्तों मेरा ओपिनियन कि आप लोग को SP125 में ज़्यादा बेहतरीन हेडलाइट देखने को मिलता है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अलग वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड राइड सेफ।